पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी को लाखों अश्कबार आँखों के सामने सुपुर्द खाक कर दिया गया। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की और करोड़ों अफराद ने टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पर उनके तारीख साज जनाजे के मनाजर देखे। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने, जिनमें अमरीका और यूरोप के अहम टेलीविज़न और अखबार शामिल हैं, उन्होंने इलामा साहब के जनाजे की भरपूर कवरेज की। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी आलमी शोहरत के हामिल सियासी व दीनी लीडर थे और दुनिया भर में उनके लाखों अकीदतमंद मौजूद हैं। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी 22 जून 1966 को जिला अटक की तहसील पिंडी घेब के एक गांव यकातूत निकला कलाम में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम अपने गांव से ही हासिल की और 8 बरस की उम्र में वो जेहलम चले गए, जहां उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू किया। कुछ अरसा बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने तफसीर कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी हाफिज कुरान होने के साथ साथ शेखुल हदीस भी थे। वो लाहौर की मशहूर मक्की मस्जिद में नमाज जुमा से कबल खुतबा देते थे। महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब ने उन्हें इसी मस्जिद का खतीब मुकर्रर कर रखा था। 2006 में इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रावलपिंडी से लाहौर का सफ़र कर रहे थे कि गुजरांवाला के करीब उनकी कार शदीद हादसे का शिकार हो गई। इस एक्सीडेंट में इलामा साहब की दोनों टांगें टूट गई और वो व्हीलचेयर का सहारा लेने पर मजबूर हो गए, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी और बाकी मानदा 14 बरस की ज़िंदगी में वो व्हीलचेयर पर होते हुए भी बेहद मुतहरिक रहे। उन्होंने पाकिस्तान भर के दौरे किए। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी सच्चे आशिक रसूल थे और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। 2015 में इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम से अपनी जमात के क़याम का ऐलान किया। ताहम जब 2017 में उन्होंने अपनी जमात को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाने के लिए दरख्वास्त दी, तो उनकी जमात को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड किया गया। 2018 के इंतखाबात में उनकी जमात ने मतदद हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिन्हें बड़ी तादाद में आवाम ने वोट दिए। उनकी जमात को पड़ने वाले वोटों की कुल तादाद 22 लाख से ज्यादा थी। उनके 2 उम्मीदवार कराची से सूबाई असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की खातर और तौहीन रसालत के खिलाफ बड़े बड़े इक़दामात मुनक़िद करते रहे, जिन्हें एहतजाजी धरनों के हवाले से मुल्कगीर शोहरत भी हासिल हुई। इलामा साहब 16 व्याँ मुकर्रर थे और उन्हें उर्दू, पंजाबी, अरबी, फारसी जबान पर अबूर हासिल था। उनकी तकरीरों में इलामा मोहम्मद इकबाल, पीर मेर अली शाह, शेख सादी, मौलाना रूम के अशार उनके पैगाम को अवाम के दिलों में उतारने के लिए मौसर अंदाज में पेश किए जाते थे। चंद रोज कबल इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की तबीयत नासाज हो गई, क्योंकि वो गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ इस्लामाबाद में इस कदर सर्दी में धरना देकर आए थे, इसलिए उनकी तबीयत नासाज हो गई और 20 नवंबर बरोज जुमातुल मुबारक वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के साये में ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा की गई, जिसमें लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान से अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि ये कितने लाख लोग थे। बजा तौर पर कहा जा सकता है कि इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। इस तरह इलामा साहब ने पिंडी घेब से जिस सफ़र का आगाज़ किया, वो मीनार पाकिस्तान पर उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के साथ ही इख्तिताम पज़ीर हो गया। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की तदफीन लाहौर मदरसा अबू ज़र गफारी में की गई। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की वफात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर साद रिज़वी हैं, जो कि इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी के बड़े बेटे हैं।